गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। थर्ड एंड फोर्थ हो गए थे हमारे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। पहले देखिए, ट्री इस टाइप का था हमारा, ऐसा ये ट्री है। अब सपोज ये यहां से टूट गया, ये वाली जो चीज है, ये वाली हाइट, वो यहां आ गई। ओके, मतलब कि जैसे मैं इसे ए बी सी डी बोलूं, तो जो ए डी है वही ए सी है, मतलब ये वाला पार्ट टूट के यहां आ गया। ओके, अच्छा, टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। जहां इस ट्री का टॉप ग्राउंड को टच करता है, ये बेस से 12 मीटर दूर है, मतलब ये 12 मीटर है। ओके, और जहां से ये टूटा वो 5 मीटर है। तो आपको ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। ट्री की टोटल हाइट देखिए कैसे निकलेगी, ये निकलेगा, उसके बाद इसको, मींस जो ये आएगा वही ये है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, हमारी टोटल हाइट आ जाएगी। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो देखो क्या है, होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहां ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस 12 स्क्वायर होता है 144। कल भी बताया था, कल पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन किया था ना, तो उसमें मैंने बताया था। अच्छा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ए सी की वैल्यू मैंने बताई थी कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, किसी से नहीं होगा, तो ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, 3 हो गया 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, तो ये हो गया 13 × 13। ओके, तो ये 13 मीटर हो गया। तो एसी की वैल्यू हमारी 13 मीटर हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी लेंथ है 13 मीटर, मतलब ये 13 मीटर हो गया और ये भी 13 मीटर हो गया। तो तब क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18 मीटर। ओके, तो इस तरीके से ट्री की टोटल हाइट 18 मीटर हो जाएगी। इससे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने एक पार्ट किया था, आपको सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर 25 एंड 65। चलिए बनाइए एक ट्राइंगल, ऐसे मान लो हमारे पास है, चलो थोड़ी देर के लिए इसको Q सपोज कर लेते हैं, इसको R सपोज कर लेते हैं। अच्छा, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए क्या है, ये Q हमारा है 25 डिग्री और ये है 65 डिग्री। तो देखिए इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहले तो P की वैल्यू निकालिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये राइट ट्राइंगल हुआ तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा
90 डिग्री, एंगल पी अब 90 हो गया, देखो ये 90 हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, देयर फोर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ये 90 के ठीक सामने वाला, तो आर क्यू या क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, आर क्यू स्क्वायर वाला सेकेंड ऑप्शन। देयर फोर ऑप्शन टू इज करेक्ट। पता चल गया ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से बनाऊं समझ नहीं आ रहा तो ऐसे हो जाएगा। देखो जहां पे 90 बना वो P है, मैंने घुमा दिया है ट्राइंगल को, जहां पे 25 बना वो Q है, जहां पे 65 बना वो R है। ये 65 है, ये 25 है और ये 90 है। अब आपको शायद पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, देखो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू और पी आर को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन टू है वो करेक्ट है। तो आज आप दो क्वेश्चंस करेंगे और छूटा हुआ सारा काम क्वेश्चन नंबर फोर के सारे पार्ट्स यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।